और चलिए, कोरोना काल में किसानों को बड़ी राहत देने की कोशिश। आज प्रधानमंत्री मोदी किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त करेंगे जारी। 9 करोड़ किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी राशि। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों के बैंक खाते में 19,000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। सुबह 11 बजे का वो वक्त होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थी किसानों से बातचीत भी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस मौके पर मौजूद रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब तक किसानों को 2,000 रुपए की 7 किस्त मिल चुकी है। बिल्कुल, और ये 8वीं किश्त होगी कोरोना काल में, ये निश्चित तौर पर बड़ी राहत है किसानों को। और आज प्रधानमंत्री मोदी की सौगात, 9 करोड़ किसानों को इससे फायदा होगा और सीधे ट्रांसफर की जाएगी राशि, जिससे किसानों को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि कोरोना काल है और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है ये किश्त। चलिए, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आंदोलनकारी किसानों पर अनिल विज का बड़ा आरोप सामने आया है। आंदोलनरत किसान टीकाकरण में नहीं दिखा रहे हैं दिलचस्पी, ये कहा गया है। बिल्कुल, और आपको बताएं, आंदोलनकारी किसानों पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री का ये दावा है कि जो टीकाकरण है उसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं आंदोलनरत किसान। कोरोना महामारी के खिलाफ हिंदुस्तान की बड़ी जंग चल रही है। देश जानता है इस बेरहम वायरस से फतेह का एक ही हथियार है और वो है वैक्सीन। लेकिन अन्नदाता के नाम पर आंदोलन कर रहे षड्यंत्र जीवी अब वैक्सीन के वरदान के खिलाफ भी साजिश रचने लगे। करोड़ों देशवासी वैक्सीन लगवा चुके हैं, पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का दावा है आंदोलनकारी किसानों को टीका लगाने के लिए बाकायदा कैंप लगवाया गया, वो यहाँ मौजूद भीड़ के पैमाने पर ना लगवाने के बराबर ही है। इनकी मीटिंग हुई जिसमें इनके नेताओं ने साफ इनकार कर दिया कि हम टेस्टिंग तो किसी भी हालत में नहीं करवाएंगे। रही बात वैक्सीनेशन की, उसके लिए भी हम नहीं कहेंगे किसी को, हम अपने मंच से अपील नहीं करेंगे। आप अपना कैंप लगा दो, अगर कोई लगवाना चाहेगा तो लगवा लेगा। 10 से 11 दिन हो गए हैं वहाँ पर कैंप लगाए हुए, अभी तक 1800-1900 आदमी से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है। सवाल है, क्या किसानों को वैक्सीन के खिलाफ भड़काकर फिर कोई साजिश हो रही है? क्योंकि हल के सहारे छल करने वाले राकेश टिकैत ने तो पहले ही ऐलान कर दिया था कि 26 मई के बाद किसान आंदोलन में नया मोड़ आएगा। होने को आए नहीं, 26 तारीख को होंगे, होने को आए ना, मुझे नहीं, हुए नहीं, होने को आए, लेकिन तो आगे फिर समाधान नहीं होगा। अरे हो जाएगा, कोई ज्यादा लंबा आंदोलन होगा, 6 महीने तो ये आंदोलन होगा, अगले 6 महीने में हो जाएगा। अगर वाकई इशारा वैक्सीन के खिलाफ भड़काने और बरगलाने का है तो यकीन मानिए, ये आंदोलनकारियों के साथ साथ देश के लिए भी खतरनाक होगा, क्योंकि इस तरह तो संक्रमण की सुनामी और भी ज्यादा बेकाबू हो जाएगी। जी मीडिया पूछता है, अगर किसान आंदोलन में कोरोना विस्फोट हो गया तो जिम्मेदारी किसकी होगी? आंदोलनकारियों का नेतृत्व करने वाले राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव जैसे नेता चुप क्यों हैं? क्या यहां भी फर्जी किसान नेता लाल किला हिंसा कांड की तरह अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेंगे? बेहतर यही होगा कि आपदा के बीच अड़ियल रवैया छोड़कर आंदोलनकारी वैक्सीन लगवाएं और किसी के बहकावे में ना आएं, क्योंकि कोरोना काल में जिंदगी का सुरक्षा कवच सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए आगे बढ़े और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे पटना से, बड़ी खबर, जहां पर गिरफ्तार लोगों में एक प्राइवेट अस्पताल का निदेशक, दूसरा जिला परिषद का बेटा भी शामिल बताया जा रहा है। किस तरीके से कालाबाजारी की जा रही है ये इस मामले के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। गिरफ्तार लोगों के पास से 8 बड़े सिलेंडर, 2 छोटे सिलेंडर समेत कई मेडिकल उपकरण बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है ये लोग 50,000 रुपए में एक सिलेंडर बेचते थे। और देखिए, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि कैसे काला बाजारी की जा रही है। और देखिए, ये लोग कोरोना के खलनायक है जो इस तरीके से इस वारदात को लगातार, इस काला बाजारी को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त देश महामारी से जूझ रहा है, लोग परेशान है। लेकिन पटना से ये तस्वीरें सामने आई है आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिल्कुल, और शहर बदल रहा है लेकिन जो करतूत है वो नहीं बदल रही कोरोना के खलनायकों की, क्योंकि लगातार ऐसी तस्वीरें जगह जगह से सामने आई जहां आपदा में अवसर ढूंढते हुए लोगों ने आम लोगों की जरूरत की चीजों को इस तरह से काला बाजारी की। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 50,000 में एक सिलेंडर बेचा जाता था, आप सोचिए, जहां पर लोग एक एक पैसे के लिए काफी परेशान हैं। वैसे में कोरोना के ये खलनायक आपदा में अवसर ढूंढने से भी चूके नहीं, लेकिन अब गिरफ्त में।
तो इस वक्त एक और बड़ी खबर भी आपको बता दें, कजाकिस्तान से मेडिकल सामान लेकर दिल्ली पहुंचा है विशेष विमान, ये राहत भरी तस्वीरें। कजाकिस्तान ने मेडिकल सपोर्ट से जुड़े सामान भेजे हैं और ये पहला मौका नहीं है। लगातार जब से कोरोना की दूसरी वेव शुरू हुई है तब से लगातार जगह जगह से जो मदद है वो सामने आई, और ये तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, ये कजाकिस्तान से जो मदद है वो पहुंची है भारत। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें राहत देने वाली है उन तमाम लोगों के लिए, क्योंकि इस वक्त देश महामारी से जूझ रहा है। अलग अलग अस्पतालों की तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये मदद बहुत ज़्यादा राहत देगी उन तमाम परिजनों को और मरीजों को जो इस वक्त इस महामारी से जूझ रहे हैं, जिन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है लेकिन कहीं ना कहीं संसाधनों के अभाव के चलते उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। ये राहत भरी तस्वीरें कि कैसे कजाकिस्तान ने मदद भेजी है। देखिए भारत जब मुश्किल के वक्त में है तो अलग अलग देश, पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो अलग अलग देश भारत की मदद करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और लगातार इस दौरान हमने देखा है कि चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, रशिया हो, जगह जगह से तस्वीरें सामने आई जिसने देश की मदद की, और शायद यही वजह है कि इस मदद के साथ और भारत अपनी नीतियों के साथ तमाम कोरोना की जो महामारी है उससे लड़ाई हो रही है और ये लड़ाई जीतने की कोशिश हो रही है। तो देखिए दुनिया के कई सारे देश ऐसे हैं जो इस मुश्किल परिस्थिति में भारत के साथ खड़े हैं, भारत का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और तस्वीरें आज कजाकिस्तान से जो मदद आई है उसकी है, लेकिन इससे पहले भी कई ऐसी तस्वीरें हमने दिखाई जब भारत के साथ इस मौके पर, इस वक्त पर तमाम देश खड़े नजर आए, जहां से तमाम राहत सामग्री आई और लोगों तक वो हेल्प पहुंचती नजर आई। यूपी में दाह संस्कार करने पर रोक, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद में बॉर्डर से लौटाए गए शव। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, गाजीपुर में बॉर्डर पर तैनात पुलिस ने शवों को लौटाया है। गाजीपुर में गंगा घाट पर बड़ी संख्या में बिहार से आते हैं शव। अब जो जानकारी सामने है उसके मुताबिक ये कि बॉर्डर से लौटाए गए हैं ये शव। ये बड़ी खबर, बिहार से आ रहे शव यूपी ने लौटा दिए हैं। लगातार ये सिलसिला जारी है, अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर ये शव लाए जा रहे थे। मैं लाश इधर से हम लोग नहीं रोकते हैं, इसलिए तो उपी का बात है, गंगा तो उपी में है, तो उपी में जाता है तो कल दो लाश मैंने रात को लौटा दिया लोग लेके 10 बजे करीब में, और इसके बाद से लाश का आना जाना बंद हो गया है, लाश अभी नहीं जा रहा है। चलिए आगे बढ़े, आपको बताएं 2 दिन बाद देश में फिर बढ़े हैं कोरोना के केस। बीते 24 घंटे में 3,65,632 नए मामले सामने आए हैं। तो देखिए वह 24 घंटे का यानी कि एक दिन का ये आंकड़ा आपके टीवी स्क्रीन पर है कि कैसे लगातार दूसरे दिन फिर से 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। शुक्रवार को कोरोना से 4,128 लोग ऐसे जो कि अपनी जान गंवा चुके हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार देखिए मामले यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, और इससे पहले थोड़ी राहत की तस्वीर सामने आई लेकिन एक बार फिर से 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। और चलिए बात महाराष्ट्र की करते हैं, कोरोना की दूसरी लहर यहां पर कमजोर पड़ती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में 42,582 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। बिल्कुल, और महाराष्ट्र में 24 घंटे में 850 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 54,535 लोग ठीक हुए हैं, यह आंकड़ा आपको देखना चाहिए। जितने संक्रमित आए हैं मतलब 42,000 से ज्यादा थोड़े, लेकिन उनसे ज्यादा लोगों के ठीक होने का आंकड़ा ज्यादा। आगे बढ़े बात देश की राजधानी दिल्ली की, दिल्ली में थम रही है कोरोना की रफ्तार। बुधवार को आए 13,287 नए मामले। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे, 24 घंटे में 300 लोगों की मौत हुई है। शुक्रवार को 13,287 लोग ऐसे भी जो कि रिकवर हुए हैं, ठीक हुए हैं। तो दिल्ली में थोड़ी राहत देने वाली तस्वीर सामने आ रही है, और इसी को लेकर कवायद भी लगातार की जा रही थी। चौथी बार लॉकडाउन को बढ़ाया गया और इसी तस्वीर की उम्मीद भी दिल्ली से की जा रही थी कि जो मामले हैं वो कम होंगे और राहत लोगों को यहां से मिल सकेगी। तो देखिए आज ईद भी है, ईद से पहले ही बाजारों में भीड़ भी दिखना शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, और आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन इस बीच तमाम धर्मगुरु जो हैं उनकी तरफ से यही कहा गया कि जो ईद है वो आप अपने घरों पर ही मनाएं, और ये ईद का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है, लेकिन क्योंकि कोरोना काल है ऐसे में कोशिश और कवायद यही कि कोरोना काल में लोग घरों पर रहें। हर्षा हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई है बातचीत करने के लिए। हर्षा, ईद का त्यौहार घरों में रहकर मनाने की अपील की गई थी, किस तरह की तस्वीरें आप दिखाएंगी, क्या तस्वीरें आ रही हैं?
देखिए मैं अगर दिल्ली के जामा मस्जिद की तस्वीर की बात करूँ जहाँ इस वक्त में मौजूद हूँ, सबसे पहले आपको इंटरेस्टिंग होगा कि मैं दिखा दूँ जामा मस्जिद के तीनों गेट हैं, तीनों गेट के बाहर किस तरह से बीएसएफ की फोर्सेस तैनात है, किस तरह से पुलिसकर्मी तैनात है। जो पूरी लेन है जामा मस्जिद की, तमाम पतली लेन जहाँ पे अधिकांश भीड़ नजर आती है, उन सब में पुलिस की चौकस सुरक्षा प्रबंध आप देख रहे होंगे। और ये इसलिए क्योंकि धर्मगुरुओं, इमाम और पुलिस द्वारा लगातार लोगों से अपील की गई है कि ईद के त्यौहार को लोग घरों में मनाएं, घर वालों के साथ सेलिब्रेट करें, मस्जिद के बाहर या मस्जिद के अंदर किसी भी तरह की भीड़ या जमावड़ा ना करें। और इसीलिए ये जो बाहर की तस्वीर है सीढ़ियों की, जहां से लोग इंटर करते थे, यहां से लेकर के जो मस्जिद का एंट्रेंस एरिया है, मैं आपको अंदर लेकर के चलती हूं क्योंकि ये मेन एंट्रेंस गेट है जामा मस्जिद का। जब हम मेन डोर से आते हैं और यहां पे जैसे ही आप इंटर करेंगे अंदर, जो मेन प्रांगण एरिया है दीपिका, वो मेन प्रांगण एरिया भी आपको खाली नजर आएगा। यहां पे आपको लोग नजर नहीं आएंगे, सिर्फ यहां पे स्टाफ के जो 10-12 लोग हैं वही आज यहां पर मौजूद है, पहुंचे हैं। धर्मगुरुओं द्वारा लगातार अपील करी जा रही है कि कोरोना वायरस का संक्रमण थम नहीं रहा है बल्कि केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, लिहाजा घरों में रहें, घरों में ईद का त्यौहार मनाएं। तो जामा मस्जिद में तस्वीर है वो दिखाने वाली है और बेहद खास भी है क्योंकि सुबह 6 बजे की जो नमाज है वो भी लोगों ने, अधिकांश लोगों ने अपने घर में ही पढ़ी है। यहाँ मस्जिद के अंदर किसी तरह का जमावड़ा नहीं हुआ है और मैनेजमेंट के जो फिलहाल जो 4-5 लोग हमें नजर आ रहे हैं और देखिए जो अपील की गई है उसका नजर, उसका जो असर है वो भी देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया हर्षा हमारे साथ जुड़ने के लिए और ईद के त्यौहार पर कैसी तस्वीर सामने आ रही है ये दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ईद है, हिंदुस्तान भी आपसे लगातार यही अपील कर रहा है, ईद जरूर मनाइए लेकिन गले इस बार मत लगाइए। बिल्कुल, हर खबर पर नजर है, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, देखते रहिए जी हिंदुस्तान।